Y stands for BIDE, Bahasa Institute of Development Economics. He has published many research articles and books on economics. Sir, you are welcome here and please request to come and place the stage. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmal gudu wa nasalli ala rasulil kareem. मैं थोड़ा अपना तारीफ करवा दूँ ताकि मैं किस एंगल से बात करने जा रहा हूँ तो वाजह हो जाए. तो जैसे कि बताया गया कि मैं पाकिस्तान डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स का जॉब ऑफ दिस थिंक टैंक इज टू प्रोवाइड एडवाइस टू द गवर्नमेंट. पाकिस्तान गवर्नमेंट की ऑफिशियल थिंक टैंक है. मिनिस्ट्रीज हमारा जिम्मेदारी यह है कि गवर्नमेंट को मिनिस्टर्स ऑन अ वाइड रेंज ऑफ डिफरेंट टॉपिक्स. But no one ever listens to our advice, research government based on research charge, which here would have led to very good results. What should we do? What should we do? Exports, imports, agriculture, energy, all the reports are already ready. We are going to pass them to people. And besides this, the official statutory grade 22 position is. इसमें मैं वेरी ग्रेट 22 पोजीशन है. इसमें मैं बड़ी बड़ी हुकूमत की कमिटीज में था. एक तो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है जिसमें हम लोग पाकिस्तान में सूद की शरह तय करते थे, उसको ऊपर नीचे करते रहते थे. मुख्तलिफ सारे पाकिस्तान की इकोनॉमिक इंफॉर्मेशन हमारे साथ ली हर दो महीने की मीटिंग होती थी. इसके अलावा मॉनेटरी एंड फिस्कल पॉलिसी कोऑर्डिनेशन कमेटी थी जिसमें लोगों को यानी ये जो बात की गई कि फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, ये सारी बातें वहाँ की जाती. इसके अलावा भी इंफरादी तौर पर भी मैं मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के पास मुख्तलिफ किस्म के मुशावरात और तजावीजात ले गए. बहुत अहम मर्चेंट्स हैं. हर एक मशवरे में अरबों खरबों डॉलर्स का फायदा था. मगर क्या ख्याल है, कोई सुनवाई नहीं, फायदा हुआ कोई फायदा नहीं. इस वक्त भी हम जानते हैं कि सारे पाकिस्तान में सब लोग परेशान हैं. हर जगह पे हर दूसरे सेमिनार हो रहा है और लोग मुख्तलिफ किस्म के मशवरे और ये नहीं किस्म के मशवरे और ये नहीं दे रहे कि गलत मशवरे हैं, सब सही मशवरे दे रहे हैं, अच्छे मशवरे दे रहे हैं. मगर इसकी सुनवाई हो नहीं रही है. तो ये क्यों हो रही है? जरा हमें इससे ज्यादा ऐसा कि फरमाया अमीन साहब ने पहले के ये जो दायरा है फिक्र जिसको हमारा महदूद है जिसमें उसमें वो हल नहीं है जो हम ढूंढ रहे हैं. हम जाके गवर्नमेंट को बताएंगे भाई एक्सपोर्ट को बढ़ाओ, गवर्नमेंट क्या कर रही है? पिछले साल से इसी कोशिश में लगी हुई है. हम कहेंगे भाई अपने टैक्सेस को इम्प्रूव करो, तो क्या है ये? बीसों साल से सब लोग यही कह जा रहे हैं, गवर्नमेंट ने बेशुमार कमीशन कायम किए हैं कि टैक्सेस को बढ़ाया जाए, मगर नतीजा सिफर. तो मैं ये कह रहा हूँ कि यानी ठीक है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. ये कहेंगे वो कहीं कभी नहीं हुआ है. पाकिस्तान में जो सेमिनार्स हो रहे हैं और ये बातें नहीं होंगी जो मैं आपको बताना. अच्छा है, लोग अमूमन मुझसे स्लाइड्स मांगते हैं क्योंकि उस पर बहुत सारी मालूम गई थी और लिंक्स गई हैं. तो ये मैंने स्लाइड अपलोड की हुई हैं. एक तो इसका बस एक ये लिंक उठा लें, इससे आपको ये जो स्लाइड्स अभी मैं करने जा रहा हूँ ये सारी आपको डाउनलोड लेंगे. फिर हर स्लाइड की आपको फिर जरूरत नहीं है. डेफिसिट कम करना चाहिए, करप्शन कम करना है, तो किसी को ये बात नहीं मालूम थी यहाँ आने से पहले. और हमारी ये बातें दोहराने से क्या करप्शन में कमी आ जाएगी? तो हम लोग सिर्फ यहाँ शोर मचाने हैं, अल्लाह बिल्ला होगा और फिर हम
वापस चले जाएंगे और कोई भी खराब नहीं आएगा। तो क्या कोई काम है जो हम कर सकते हैं ये सोचने की बात है, क्या कोई चीज है हमारे हाथ में? हुकूमत तो एक बात तो समझ लेने की जरूरत है, हुकूमत तो मशवरा पेश करने से कुछ भी नहीं होगा। यानी ये मैं करके देख चुका हूँ और मेरा भी ये ख्याल था कि शायद हुकूमत हमारे पास सारे मशवरे पहले से मौजूद हैं। तो कार्ल मार्क्स ने एक बहुत कीमती बात की थी, उसने कहा ये कैपिटलिज्म का सिस्टम है जिसकी बहुत जबरदस्त दुश्मन और उसी को सारे मसाइल का जड़ समझते हैं और मैं भी इसमें शरीर राय। कैपिटलिज्म का काम ये है कि लेबरर्स को एक्सप्लॉइट करें और उसके जो पैसे हैं कैपिटलिस्ट को दें, मगर इसमें जो समझने की बात ये है कि वो जबरदस्ती ये काम नहीं करता है कैपिटलिज्म, बल्कि वो जो लेबर है वो खुद अपनी इस एक्सप्लॉयटेशन में और शरीक और शामिल और खुशी खुशी इसको कबूल करता है। इसी तरह से जो अकवाम पे जो कॉलोनाइजेशन होता है तो वो भी जबरन नहीं होता है, हालांकि वो आदमी आती हैं, मगर जब राज ब्रिटिश राज जो है अपने उरूज पे था तो 1000 गोरे ब्यूरोक्रेट्स थे, उरूज पे था तो 1000 गोरे ब्यूरोक्रेट्स थे और करोड़ों की अवाम। ये तो हो नहीं सकता है कि आप 1000 लोग जो है 1 करोड़ के ऊपर उनकी मर्जी के बगैर हुकूमत करें, तो वो मर्जी कैसे हासिल की जाती है? ये है कि हम लोग क्यों अपनी गुलामी और क्या हम इस सिस्टम को कुछ बदल सकते हैं। तो हमको गुलामी पर राजी करने का क्या तरीका है वो हमें ये तालीमी निजाम जो हमें सिखलाया जा रहा है वो सारी बातें जो भी सिखलाई जा रही थी मसले का लिया गया, टैक्स बढ़ाओ और एक्सपोर्ट बढ़ाओ, ये सारा धोखा है क्योंकि ये हो नहीं सकता इस वक्त जो है वो। और वो धोखा किस तरह से होता है, वो इकोनॉमिक थ्योरी के जरिए से जो इकोनॉमिक थ्योरी पढ़ाई जा रही है वो हमें उन्हीं चीजों को उलझा के रखती है जहाँ कोई हल नहीं है वहां पर हमारी निगाही जाती है। ये सिर्फ एक जहनी गुलामी है, यानी हमने अपनी सोच को खुद ही महदूद कर रखा है। क्यों महदूद कर रखा है? क्योंकि हमने सैमुअल सन पढ़ा हुआ है और कुरान नहीं पढ़ी है। हमने जितनी मेहनत की है कि कैसे अपने मसाइल को हल करें वो सारे हमने सैमुअल सन निकाला है और वो सारी इकोनॉमिक टेक्स्ट बुक जो मैंने पढ़ी हुई है उसमें कहीं पे हल नहीं है जो हम मसले देख रहे हैं। और इस वक्त जो हम लोग समझ रहे हैं कि हमें आजादी हासिल होगी, एक कॉलोनियल निजाम था जिसमें पैसे लूट के ले जाते थे, वो अमीर हो गए हम गरीब हो गए, उसको वो कहते हैं कि हम डेवलप हैं आप अंडर डेवलप हैं। तो जाहिर बात है कि अगर चोर एक आदमी का घर लूट जाएगा तो वो गरीब हो जाएगा, जो जो ऐसा आदमी लूटाएगी वो अमीर हो जाएगा। इसमें कोई यानी हैरत की बात नहीं है, मगर धोखा ये है कि हम समझ रहे हैं कि हमें आजादी हासिल होगी, मगर जिन लोगों ने इस मामले का तजिया किया है उन्होंने कहा कि आज भी वही निजाम चल रहा है जो पहले चल रहा था आज। यानी ऐसा यानी जो आजादी शुमार एड में अमीर ममालिक की तरफ से गरीब ममालिक पास आए, मगर 3.3 trillion dollars हमारी तरफ से उनके पास सूद वगैरह की शक्ल में गए। तो गोया जो पहले निजाम था कि यहाँ से पैसे लूट के लिए जाते थे आज भी वही निजाम चल रहा है, वही निजाम चल रहा है, मगर तो चाहे इसके कि वो अपनी आर्मी बेटे की जबरन निकाले वो हमें कर्जा बेच के उसके सूद के तौर पर ले लेते हैं, बहुत ज्यादा सहूलत है उनको इस मामले में। तो मैं ये कह रहा हूँ कि इस वक्त जो हमारे इकोनॉमिक मसाइल हैं उसका हल जो है उसके लिए आइंस्टाइन की जरूरत नहीं है, आइंस्टाइन की जरूरत नहीं है, बहुत वाजे है। कोई भी आदमी अगर गुलामा नजर ये छोड़ दे तो उसको नजर आ जाएंगे, मगर मसला ये है कि आज हम लोग अपने सोल्यूशन मगरब की किताबों में ढूंढ रहे हैं। तो जो मसाइल हैं वो भी ऑब्वियस हैं और जो सोल्यूशन हैं वो भी ऑब्वियस हैं। अगर मैं इसका पर सभी तस्करा में बदला दू मगर मैं ये कहूंगा कि ये हल है नहीं, क्योंकि हम ये हल लागू नहीं कर सकते। तो ऐसा हल
इसको कहते हैं कि वो जो इसकी एक इस्तेलाह है जो मैं भूल रहा हूँ, मगर बहरहाल बेलिंग द कैट कहते हैं कि वो चूहे ने मशवरा किया कि बिल्ली है हमारे, हम कैसे इसकी कोई तदबीर करनी चाहिए। तो उन्होंने कहा कि उसके गर्दन में एक बेल घंटी लटका देते हैं, तो फिर वो जहाँ भी जाएगी हमें, तो फिर यहाँ बहुत अच्छी तजवीज़ है, मगर मसला ये कि करें कौन। तो हमारे पास भी बहुत अच्छे अच्छे सोल्यूशन है, मगर ये इम्प्लीमेंट कौन करेगा। तो मसला जैसे कि पहले भी बयान हुआ कि हम लोग ने पिछले साल $60 बिलियन की एक्सपोर्ट्स की, सॉरी इम्पोर्ट्स हमने 60 बिलियन की और एक्सपोर्ट्स हमने 30 बिलियन की। तो 30 बिलियन हमें अपने पे जरूरत है, और जब हम 30 बिलियन कर्जा लेंगे तो हम गुलाम बन जाएंगे। बस आगे बस है तीन बातें जिससे जो हमारे मसलों पर जड़ है, और कोई लंबी चौड़ी फहरिस्त बनाने की जरूरत नहीं। हमको हमारी इम्पोर्ट 60 बिलियन की है, एक्सपोर्ट 30 बिलियन की है, हमें कर्जा लेना जरूरी है। तो जो हमें कर्जा देगा वो हमें गुलाम बना लेगा। तो ये मैंने एक आर्टिकल है जो माइकल हडसन है, बहुत मशहूर अनऑर्थोडॉक्स इकोनॉमिस्ट है, इसकी बातों में जो है वो मिलती है, जो आपकी इकोनॉमिक्स की टेक्स्ट बुक्स में नहीं होता है। और आमतौर पर मैं जब PhD करके इकोनॉमिक्स में निकला, मैं सिटी बैंक में मुझे पहली जॉब लगी, तो उन्होंने लैटिन अमेरिकन कंट्रीज को वो कर्जा ले रहे थे। तो उन्होंने मुझसे कहा कि जाके तुम ये असेस करो कि ये जो कर्जा इनके डेट रिपेमेंट की कैपेसिटी क्या है, कितने डॉलर्स ये प्रोड्यूस करते हैं, तो हमें कितना कर्जा दें जिसको वो वापस कर सकेंगे। तो उसने मामूली कैलकुलेशन है, कोई ज्यादा मुश्किल नहीं, उसने कैलकुलेट करके कहा कि उनके जितने फॉरेन एक्सचेंज की रेवेन्यू स्ट्रीम्स जो आइंदा आने वाली हैं वो तो अभी ही से यूज्ड अप है, जो उनके पास मौजूदा कर्ज हैं वो उसको अदा नहीं करने पाएंगे, तो मजीद कर्जा लेने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। तो उसके बाद क्या हुआ कि मर्सिडीज बैंक ने बहुत बड़ा सा कर्जा फिर भी जाके दे दिया। तो वो बड़ा हैरान हुआ अपने बॉस से क्या पूछने के, मैंने तो एनालिसिस करके बतला दिया था कि वो उसको कभी पे बैक नहीं कर सकते, हमने फिर भी दे दिया। उनको जब कर्जा देने की जरूरत है हम उनको और कर्जा दे देंगे ताकि वो हमारे कर्जे वापस कर सकें। और दरअसल जो मसला है वो ये कि हमारे पास उनकी मुल्क का कंट्रोल हमारे हाथ में, हम उनको कर्ज देते हैं, हमारे पैसे हमारे में मकरूज है, हमारे गुलाम। तो ये सिस्टम है, ये सिस्टम है। तो अब इसका हल क्या है, इसका हल भी मैं बताता चलू, मगर जैसे कि मैं कह रहा हूँ कि हल इम्प्लीमेंट नहीं होगा, मगर बात वाजे करने के लिए, क्योंकि जितने वो उतनी बातें आप सुनते आते हैं, चाहिए करो वो करो वो करो, एक यानी 60 चीजों की फहरिस्त है। तो दो तरीके हैं, यानी हल बहुत आसान है, मुश्किल नहीं हमको, यानी दो ऑब्वियसली अगर हमारी एक्सपोर्ट्स कम है इम्पोर्ट्स ज्यादा है तो दो तरीके हैं इसको हल करने, या तो हम एक्सपोर्ट बढ़ा दें या इम्पोर्ट्स दिखा दें। तो अब सारी दुनिया की इकॉनमिस्ट आपको ये बताएंगे कि एक्सपोर्ट प्रमोशन, आप प्लानिंग कमीशन में जाए, एक्सपोर्ट प्रमोशन लुप्ता, और सारे इकोनॉमिस्ट की किताबों में भी यही मिलता है। और इम्पोर्ट को कम करें इसका कहीं तस्करा नहीं आता, बल्कि मुझे तफसील नहीं करता। और हालांकि हल मसले का हल सिर्फ इम्पोर्ट्स को घटाने में है, और जिसको इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन का लफ्ज आया है वो बदनाम है, और कहा जाता है कि ये गलत तरीका है और इसको नहीं अख्तियार करें, क्योंकि यही सही तरीका है। और ग्रासिटी मैंने कहा, और ग्रासिटी मैंने कहा गुलामों को उनकी रजा से गुलामी करवाई जाती है। तो जब तक हम ये समझते रहेंगे कि इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन गलत है, और इसकी बहुत सारी यानी आर्ग्यूमेंट्स हैं, अगर मैं इस तफसील में जाने नहीं आती तो ये बहस बेकार है। बस सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि आसान मसला है, सारी तारीख को उठा के दें एक्सपोर्ट प्रमोशन से करते नहीं, ये सब जगह ने इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन किस चीज को कहते हैं, सिर्फ ये कि बाहर से मसनूआत बनाने के बजाय, मंगवाने के बजाय आप खुद मसनूआत बनाना सीख लें। ये तो यानी अजहर में शम्स है बात के, अगर हमें तरक्की करनी है तो हमें खुद अपनी चीजें बनाना सीखनी होगी, इम्पोर्ट करने से खुद अपनी चीजें बनाना सीखनी होगी, इम्पोर्ट करने से कहां से तरक्की हो सकती है। तो
और हमने चूंकि फ्री ट्रेड हमारी इकोनॉमी से पढ़ाया जाता है और उसमें हमने मुख्तलिफ किस्म के एग्रीमेंट्स भी साइन कर रखे हैं, तो हमने इंडस्ट्री आफ्टर इंडस्ट्री बनाई और किसी में फहरिस्त नहीं बना सकता हूँ कि हमने बाहर की इम्पोर्ट से कम्पीट नहीं कर सके। आज भी हर रोज कोई ना कोई इंडस्ट्री बंद हो रही है। तो हम लोगों को एक्सपर्ट जो है जिस तरह से वो आया ना कि बेकारी का बच्चा था तो उसने उसको अदा कर दिया कि ज्यादा अच्छी तरह से भी मांग सकेगा उसको उसको ज्यादा। तो इसी तरह से हमें जो तदबीरें सिखलाई जा रही वही है कि अपने आप को अपाहिज बना दो तो तुम ज्यादा अच्छी तरह से भी मांग सकोगे। उल्टी बात जो कि करने की है वो हमें कहा जाता है कि मत करो, और जो करने की नहीं सब सारी जबानों पे अवामन नाश भी, और यही और पॉलिसी मेकर मिनिस्टर सब यही समझते हैं कि एक्सपोर्ट प्रमोशन ही रास्ता है। तो जो असल मसला है वो ये है कि क्यों लोग हमें एक्सपोर्ट प्रमोशन की तरफ है कि क्यों लोग हमें एक्सपोर्ट प्रमोशन की तरफ ले जाते हैं, ये किसी भी टेक्स्ट बुक में नहीं मिलेगा आपको। मगर जो बात है वो ये है कि हमारे यहाँ दो तबकात हैं और उसकी और एक अमीर तबका है और एक गरीब तबका है, और ये दोनों बिल्कुल अलग। अमीर तबका अंग्रेजी बोलता है और यानी एक उर्दू मीडियम लोग हैं, इंग्लिश मीडियम लोग हैं। तो जो अमीर तबका है वो बहुत इंजॉय करता है जिंदगी को, उनके कुत्तों को जो मेडिकल ट्रीटमेंट मिलता है वो हमारे गरीब आवाम अपने बच्चों को नहीं दे सकते। तो ये अमीर तबका का सिंपल काम है। ये आपको किसी भी यानी मैंने पीएचडी किया है इकोनॉमिक्स में स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से, नोबेल लॉरेट्स मेरे टीचर थे और मैंने उनसे इंटरनेशनल ट्रेड थ्योरी पढ़ी है, और उसमें कहीं इस बात का तस्करा नहीं जो आपको तस्करा नहीं जो आपको बताने वाला हूँ कि हमारी इकॉनमी का क्या काम है। वो अमीर लोग चूंकि वो कंट्रोल में है तो वो चाहते हैं कि, और हमारे मुल्क में वो गंदम प्रोड्यूसर थे तो वो अपने मुल्क की गंदम चावल आटा वगैरह एक्सपोर्ट करके उससे डॉलर लेते हैं। तो डॉलर से क्या करते हैं, अपनी गाड़ियां खरीदते हैं, अपने बहुत सारे और गुड्स हैं। आप चले जाएं यहाँ की किसी हाई एंड ग्रोसरी स्टोर में आपको सारी दुनिया का हर किस्म का माल मिल जाएगा, बेहतरीन किस्म के खाने, बेहतरीन की मसनूआत, बेहतरीन किस्म के खिलौने, हर किस्म तो यानी अपनी आवाम का खाना बेच के हम एक्सपोर्ट बढ़ाते हैं अपनी, और ऑब्वियसली जब वो एक्सपोर्ट होगा तो हमारी तमाम को खाने पीने मिलेगा, हमारी आवाम भूखी रहती है। तो इसका जो सलूशन है आवाम की फलाह ढूंढी जाए, एक तरीका है जिसको कहते हैं कि डोमेस्टिक एक है एक्सपोर्ट प्रमोशन जो है वो कहता है कि भाई सारी दुनिया में हमारी मसनूआत का डिमांड है, हम उनको सप्लाई करें तो हमारे प्रोडक्शन में इजाफा होगा। एक हमारा डोमेस्टिक डिमांड है, हमारे डोमेस्टिक डिमांड है, हमारे लोग भी डिमांड करते हैं, उसकी तरफ फोकस किया जाए, उनकी डिमांड को पूरा करने के बजाय इसके कि हम मसनूआत बना के बाहर के लोगों को भेजें, हम मसनूआत बना के अपने लोगों को भेजें। ये डोमेस्टिक डिमांड स्ट्रेटेजी है, इसका कहीं तस्करा आपको नहीं मिलेगा। और सिंपल सी बात है कि अगर हमारी आवाम में फलाह आएगी तो मुल्क भी तरक्की करेगा। तो इस वक्त अगर देखें, अगर हम यानी थोड़ा तफसील में जाएं तो इम्पोर्ट हम क्या करते हैं, जो अगर नंबर्स दे दें तो दो चीजें हम इम्पोर्ट करते हैं, यानी बहुत सारी चीजें, मतलब हमें जो बड़ा बल्क है इसमें पैसे ज्यादा जाते हैं वो एनर्जी है और एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स। अब ये बड़ी हैरत की बात है कि हम ब्राजील से सनफ्लावर सीड्स मंगवा रहे हैं। सनफ्लावर क्या है, एक वीड है, हर जगह उगती है, हम ब्राजील से क्यों सनफ्लावर सीड्स मंगवा रहे हैं, इसकी वजूहात है। तो ये दो हमारी इम्पोर्ट्स हैं जिसकी वजह से हम गुलामी के में जकड़े हुए हैं, कर्जे में जकड़े हुए हैं। तो दोनों का बहुत आसान है, ईरान हमें बहुत सस्ती एनर्जी बेचने को तैयार है मगर आका को मंजूर नहीं है, और
एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को भी हमारी यील्ड्स जो है एग्रीकल्चर की सारी हमारे इलाके में सबसे कमतर है। सिर्फ ये मानेंगे उसको बढ़ाया बहुत आसानी से जाता है क्योंकि सबने सीख लिया है कि ऐसे बढ़ा रहे। तो अगर हम यील्ड्स को थोड़ा सा बढ़ा दें, एनर्जी को शॉर्ट रन में हम ईरान से मंगवा लें और अपनी डोमेस्टिक रिसोर्सेज इन एनर्जी, यानी जिसके कोई अंदाजा नहीं हो रहा, वाइस चांसलर डिपार्टमेंट मुझे पता है, वहाँ OGDC वगैरह वालों ने मुझे बतलाया है कि हमारे पास अगर हम चाहें तो पाकिस्तानी एक्सपोर्टिंग मुल्क बन जाए बजाय इसके कि हम एनर्जी इम्पोर्ट। बस इसमें थोड़ा सा मेहनत की जरूरत है, मगर वो मेहनत की नहीं जा रही। वो OGDC वालों के पास किताबों पे वो मंसूबे पड़े हुए हैं कि इस मंसूबे पे अमल कर लें तो पाकिस्तान जो है वो एनर्जी में सेल्फ सफिशियंट हो जाएगा। तो क्यों आई अब, यानी अब तो रुकावट कहाँ है? वो ये नहीं है कि लोगों के पास, गवर्नमेंट के पास अकल नहीं है, उसको पता नहीं है कि क्या करने की जरूरत है, बल्कि जो मुकामी इंटरेस्ट्स हैं और जो ग्लोबल कैपिटल के इंटरेस्ट हैं वो इसमें वो चाहते नहीं है। एक बार ब्रिटिश गवर्नर ने जो यहाँ पे हुकूमत कर रहे थे लोग, उसने देखा कि अवाम बहुत गरीब है, उसने कहा यहाँ हम अगर छोटी सी फैक्ट्री लगा दें तो लोग जो हैं वो उनकी नफा हम्मा में इजाफा हो जाएगा। उसने खत लिखा इंग्लैंड को कि हम मुझे इजाजत मिले कि मैं ये करूँ ताकि लोग भूख से मर रहे हैं तो उनका फायदा हो जाए। तो उसके जवाब आया कि हमारा काम ही नहीं है ये कि अवाम की रफा देखी जाए, हमारे तो ये सिर्फ काम है कि यहाँ से जितने ज्यादा से ज्यादा पैसे लूट सकते हैं उतना लूटना है। इसमें अगर मुझे बतलाओ कि जिससे ज्यादा पैसे अगर हम लूट सकेंगे तो फिर हम उस तजवीज पर वार करेंगे। तो हमारी जो इकॉनमी है वो कॉलोनियल इकॉनमी जो है उसका एक ही मकसद होता है। ये मकसद नहीं था कि अवाम की राय या अवाम की फलाह ढूंढी जाए, उसका मकसद ये होता है कि अवाम को लूट के वो पैसा जो है वो आउटसाइड द मुल्क भेजा जाए। तो वो इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर जिसके जरिए से अवाम को लूटा जाता था वो वैसे का वैसा चल रहा है, उसमें कोई फर्क नहीं आया। हमारे जो कानून हैं और जो सारे लोग हैं वही हैं और वही काम कर रहे हैं, बजाय इसके कि वो पैसा लूट के इंग्लैंड भेजें, पैसा लूट के वो दुबई और स्विट्जरलैंड और वहां अपने भेजते हैं। तो इसमें तो कोई वो नहीं है कि जो जो सॉल्यूशंस हैं वो ऑब्वियस है। अवाम को कैसे यानी खाने खिलाना, जो सबसे पहला मसला है हमारा कि मैल न्यूट्रिशन को खत्म करें हर इंसान को पाकिस्तान, ये इंसान इस्लाम हमें माशरे पर फर्ज किफाया है कि कोई हमारे मुल्क में भूखा नहीं सोए। आप इकोनॉमिक टेक्स्ट बुक्स सारी छान जाएं, 1 to A to Z कहीं पे उसका तस्करा ही नहीं आएगा। अगर हम लोग गुलामाना जहनियत उतार के अपनी अकल से सोचें कि भाई पाकिस्तान के माशी माइल क्या है, मसाइल क्या है, तो सबसे पहला मसला तो ये भूख, इसको कैसे खत्म करें। अच्छा, इसको खत्म करना कोई मुश्किल है? हमारे पास जो एग्रीकल्चरल रिसोर्सेज हम इतनी ज्यादा हैं कि इसका अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। और अगर हम इसको मकसद बनाएं, मगर ना आपको ये इकोनॉमी की किताबें मिलेगा, ना हमारे पॉलिसी पास मिलेगा, ना किसी, यानी हमारे 20-year प्लान है उसमें आप नुकते नुकता 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 देख लें, किसी ने ये नहीं लिखा कि भाई अवाम को भूख से बचाया जाए। हालांकि ये हमारे ऊपर फर्ज किफाया है, भूख को छोड़ो और उनके घर और सारी बुनियादी जरूरियात जो है। एक बुनियादी मसला ये है कि इकोनॉमिक्स हमें ये सिखलाती है कि अपनी हवा यानी अपनी ख्वाहिशात को अपना खुदा बनाओ। ये बाजाब्ता इकोनॉमिक्स टेक्स्ट बुक्स में लिखा हुआ है कि हमारा मकसद हयात है कि अपनी सारी ख्वाहिशात को पूरा करनी। इस्लाम ये कहता है कि क्या करनी, इस्लाम ये कहता है कि अपनी जरूरियात को तो पूरा करो, कुलू वशरबू वला तसरफ वला, ना सिर्फ ये कि बुनियादी जरूरत बल्कि जीनत के लिबास भी पहनो, आराम राहत से रहो, मगर दूसरे की जरूरत को अपनी ख्वाहिश पे तरजीह देनी और जो खा गया वो तो हलाक हो जाएगा। ये सब इंसान इस्लाम की तालीम है। तो ये बेसिक बात है
कि अगर हम एक इस्लाम की टीचिंग पे अमल कर लें कि अपनी जरूरत जब पूरी हो जाए तो उससे जो जायद है, अल्लाह ताला ने कुरान में कहा है कि वो पूछते हैं कि क्या हम क्या खर्च करें, तो कह दो कि वो जो ज्यादा है उनकी जरूरत से। सिंपल सी बात है भाई, अगर हमारे मुल्क में कोई भी शख्स भूखा है तो हमें इजाजत नहीं है कि अपने यानी जो अपने जरूरियात है उससे ज्यादा पर हम अपनी अयाशी पर खर्च करें। मगर इकोनॉमिक्स यही सिखलाती है, अगर हम अपनी अयाशी पर ना खर्च करें और कहें कि भाई भूखों को खिलाना है, सबसे पहले हम वो करेंगे, जब मेरा पेट भरा हुआ है तो मेरे पड़ोसी का भी पेट भरा हुआ, तो सारा इकोनॉमिक मसला ही हल हो जाए। मगर ये सब तो बातें एजेंडा ही पे नहीं है, यानी आप जो हम सारी दुनिया में हम आज सारे पाकिस्तान में आपको इकोनॉमिक्स पे मसला और उनके हल पे आपको सेमिनार हर जगह हो रहा है, क्योंकि बहरान है और आपको कहीं ये नहीं मिलेगा कि भाई भूखों को खाना खिलाओ। हालांकि अल्लाह ताला कहते हैं कुरान में वला यहुद्दु अला ताअमिल मिस्कीन, ये बहुत इंटरेस्टिंग आयत था, ये अल्लाह ताला ये नहीं कह रहे हैं कि तुम खाना खिलाया करो, अल्लाह ताला उनकी वो कह रहे हैं उनका बुरा कह रहे हैं जो इस पे इसरार नहीं करते कि खाना खिलाया जाए। हम सब इसमें दाखिल हैं, हम सब यानी हजारों वाशी प्लान्स बना रहे हैं, किसी ने ये नहीं कहा कि भाई सबसे पहले तो नंबर पे ये है कि हमारे मुल्क में कुछ भूखा ना सोए, इसको हम नंबर वन प्रायोरिटी बनाए अपनी इकोनॉमिक्स का। तो बहरहाल ये सारी बातें तो रेडार ही पे नहीं है, क्यों? क्योंकि गुलामाना जहनियत, हमने अपनी इकोनॉमिक्स कहाँ से निकाली है? सैमुअलसन ने निकाली है, कुरान से तो नहीं निकाली। तो बजाय ये तो क्या हम पॉलिसीज पर शुरू कर रहे हैं, एक पॉलिसी है जिनका सारे सब लोग जिस पे तस्करा करते हैं वो है एक चीज जिसको कहते हैं वाशिंगटन कंसेंसस, उसमें उन्होंने 10 बातें लिखी हैं कि कैसे मुल्क तरक्की करते हैं। तो उसमें है फिस्कल एडजस्टमेंट, टैक्स रिफॉर्म, डीरेगुलेशन, ट्रेड लिबरलाइजेशन, कंपेटिटिव एक्सचेंज रेट, प्राइवेटाइजेशन, रिमूवल ऑफ बैरियर्स टू फॉरेन इन्वेस्टमेंट, फाइनेंशियल रिफॉर्म। ये सारी बातें हर लोग हर शख्स को एक तरह से रट रहा है कि ये हमारे मसलों का हल। तो वही मशहूर शेर है कि मीर क्या सादा है बीमार हुए जिसके सब उसी जैसी दबा लेते हैं। तो डैनी रॉड्रिक बहुत मशहूर हार्वर्ड में इकोनॉमिस्ट है, उसने ये 2005 में एक आर्टिकल लिखा है जिसमें उसने वर्ल्ड बैंक की अपनी रिपोर्ट है कि 1990s में हमारी पॉलिसी सारी दुनिया में चली, उसका क्या नतीजा निकला, तो वो बड़ा मायूस कुन है। वो खुद एतराफ करते हैं कि पॉलिसी सारी दुनिया में फेल हो गई, इसके बावजूद हम लोग इसी रास्ते पे चल रहे हैं, जानते बूझते कि ये रास्ता फेलियर का रास्ता है। वर्ल्ड बैंक की एक किताब है ईस्ट एशियन मिरेकल, जिसमें उन्होंने दिखाया कि ईस्ट एशिया जो वाकई तरक्की कर गई माशी। तो वो किताब की इब्तदा इस तरह से होती है कि इन कंट्रीज ने सारे हमारे जो कवायद और शराइत हैं और तरीके हमने बताए सब की खिलाफ दर्जी, कोई भी फॉलो नहीं किया, ये फॉलो नहीं किया, ये वर्ल्ड बैंक खुद बतला रहा है। अब भारत की बात है, वर्ल्ड बैंक अपनी यानी फेलियर का क्यों प्रचार कर रहा है? तो ये किताब बड़ी यानी शातिराना किताब है, बड़ी यानी सोफिस्टिकेटेड अटैक है। ये कहता है कि भाई और लोग इनके पीछे ना पड़े, पूरा का मजमून ये है कि हालांकि उन्होंने इन पॉलिसीज की वजह से तरक्की कर ली मगर किसी और को इनके रास्ते पर नहीं चलना चाहिए, और ये कि इनकी तरक्की की सबब ये नहीं था कि इन लोग ने ये कानून हमारे तरीके तोड़े, बल्कि उसके सबब तो वही था जो हम बतलाते हैं, मगर ये सब के बावजूद वो तरक्की कर गए इन सब चीज करने की। यानी क्योंकि उनके सामने ये बात थी कि अगर लोग हमारे तरीकों को छोड़ के ईस्ट एशिया के तरीके पर चल पड़े तब तो ये सब हमारे से निकल जाएंगे, हाथों से गुलामी से निकल जाएंगे, अगर माशी तरक्की करेंगे खर्चे की जरूरत नहीं होगी, फिर हम किसको गुलाम बनाएंगे। बड़ी देखने की बात है। तो अब हम इसका अब तक जो बात हुई उसका हासिल क्या है कि ये कॉलोनाइजेशन तो कभी खत्म नहीं हुआ, ये हमारे जो गोरे कॉलोनाइजर्स थे जो वाजह था कि ये हमारी कौम के नहीं है और हमारे इंटरेस्ट इनके दिल में नहीं है, वो आज भी मौजूद हैं मगर वो गोरे नहीं रहे,
इस वक्त जो है वो हमें सबसे पहले तो आजादी चाहिए, उसके बाद फिर हम इकोनॉमिक पॉलिसी बनाएंगे। अगर आजादी ही नहीं है तो हम जैसे हम अमेरिका शाह को मशवरा देते हैं कि फ्रेंड्स के भाई हम तो आपसे दोस्ती करना चाहते हैं, आप हमें गुलाम क्यों बना रहे हैं? ठीक है, जो आपका आता है उससे आप कहें मैं आपसे दोस्ती करना है, क्या आपका नौकर आ जाए आपके पास कहे कि मैं आपसे दोस्ती करना चाहता हूँ, मुझे गुलाम नहीं बने। भाई जब हम हमारे पास पावर होगा तो फिर हम ये बात कह सकते हैं, और जब तक हम उनके मकरूज हैं और उनके वो हैं और उनके वो, तो फिर हम कैसे उनसे आजादी मांग सकते हैं? आजादी कैसे हासिल की जाएगी? तो बात दरअसल ये है जो शुरू में मैंने कही थी कि कार्ल मार्क्स ने जो कहा था कि असल जो मसला है वो ये नहीं है कि अमेरिकी की आर्मी हमारे साइड पर खड़ी हुई और हमें इन्वेड उसका, बल्कि जो मसला है वो ये कि हमारे जहनों पे जो गुलामाना सिक्का छाया हुआ है वो हमने खुद अपने आप को गुलाम बनाया हुआ है। तो ये जो मैकेनिज्म है इसको देखना है कि हम गुलाम कैसे बने, यानी हमारा जहनियत कैसे पैदा की गई। तो इसमें जो बहुत एक अहम मरकजी किरदार है वो एक क्लास है जिसको लैटिन अमेरिका में कॉम्प्राडोर कहते हैं। ये लोग वो थे जिन्होंने जो कॉलोनाइजर थे उनके साथ तआवुन किया, खुद भी अमीर हो गए और वो उन्होंने अपनी कौम को एक्सप्लॉइट करने में गोरों की मदद की। तो इस क्लास को हम लोग यहाँ कोकोनट क्लास कह सकते हैं, यानी नारियल तबका। बाहर से तो गोरे हैं मगर अंदर से गोरे हैं, और ये खुसूसन पैदा की गई। मैकॉले की जो मिनट ऑन एजुकेशन है उसने साफ साफ लिखा है कि हमारी तालीम का मकसद ये है कि ऐसे लोग पैदा हो जाएं जो जिनके दिल में अंग्रेज की अजमत हैबत मोहब्बत पैदा हो और अपनी कौम से, अपने तहजीब से, अपने माशरे से, अपने मजहब से नफरत पैदा हो, ये दोनों चीज़ें। और वो तालीमी निज़ाम हमें गुलाम बनाता है, वो तालीमी निज़ाम आज भी उसी तरह से बल्कि उससे बहुत ज़्यादा मजबूती से चल रहा है जितना वो उस जमाने में चलता था। तो ये जो जंग है वो यहाँ लड़ी जा रही है, यानी इल्म के माहौल में जो हमें गलत थ्योरीज पढ़ाई जा रही है वो हमें गुलाम बनाती है। तो ये थोड़ी सी तारीख है कि दौर रहा हम कह सकते हैं 1944 तक, क्योंकि उस वक्त तक पाउंड स्टर्लिंग जो है वो दुनिया की सबसे स्ट्रांग करेंसी थी। फिर 1944 में ब्रेटन वुड्स अग्रीमेंट में बेसिकली ये ट्रांसफर होगी और डॉलर को दुनिया की सबसे मजबूत किया गया, और उस वक्त से फिर अमेरिका का दौर शुरू हुआ। तो वर्ल्ड वॉर्स के बाद जो यूरोपियन पावर्स थे जिन्होंने सारी दुनिया को गुलाम बनाया था, तकरीबन 90% दुनिया उनकी गुलामी में थी, और गुलामी से ये समझना बहुत जरूरी है कि ये ज़हनी गुलामी में थी, यानी फिजिकल गुलामी कम और ज़हनी गुलामी ज्यादा, और ज़हनी गुलामी बुनियाद है। तो जब ये वर्ल्ड वॉर टू खत्म हुई तो अहले मगरिब ने ये देख लिया कि अब हमारा जबरी कंट्रोल नहीं रह सकता है, तो फिर उन्होंने बहुत प्लान से, और लिखी हुई बातें हैं, ये किताब है पीस टू एंड ऑल पीस, के जब वो पीस की शरायत तय हुई तो उन्होंने उसमें बहुत तफसील से ये प्लान बनाया कि किस तरह से हमारा कब्जा कायम रहेगा, क्योंकि उनको हमें यहाँ की रिसोर्सेज चाहिए, हमें तेल चाहिए, हमें और बहुत सारी रिसोर्स। आज़ाद हो गए वाकई तब तो हमारे पास दस्तरस नहीं रहेगी, तो उन्होंने खास तौर पे चुन चुन के स्टेट्स ऐसे बनाए जिनमें आपस में लड़ाई रहेगी ताकि वो हमें आके मशवरा दे सकें, मुफीद अपने और अपने फ़ायदा उठा सकें। यहाँ भी यही हुआ जो कि सामने है आपके। तो ये जो मुल्क है ये सेटअप हुआ हमें आपस में उम्मत को तोड़ने के लिए। तो एक बहुत अहम फिल्म है जो अभी बनी है, 253 नाम है उसका, और इसका मैंने एक लिंक ली है यहाँ पे, जिसमें एक
1953 की बात है ये, वर्ल्ड वॉर टू खत्म हो गई है, अब प्लान बन रहा है कि अमेरिका की सारी दुनिया पे हुकूमत कैसे होगी। तो ऑपरेशन एजैक्स, ये CIA का नाम था और बूट, CIA का नाम था और बूट, ये उसका USA UK की जो सीक्रेट सर्विस है उन्होंने उसका नाम, कोड नेम होता है सारे मुहिमात का। और उसका मकसद ये था कि रजा शाह पहलवी को हटा के उसकी जगह अपना एक पपेट, सॉरी रजा शाह नहीं, मुसद्दक, जो कि डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड था, बहुत पॉपुलर था, सारी आवाम उसको चाहती थी, उसके वोट्स थे, सब कुछ, उसको हटा दिया गया और उसकी जगह पे ये अमेरिकन पपेट रजा शाह पहलवी को इंस्टॉल कर दिया गया। और इसका मकसद सिंपल था, ईरान के इत्तेहाद से ले ले और अवाम के फायदे के लिए इस्तेमाल किया। अब हम लोग कहते हैं कि हमारी हमारे यहाँ तेल ऑयल है, कोल की रिसोर्सेज है और ये है तो सही, मगर वो हमारी थोड़ी है, हमारी होंगी जब हम आजादी हासिल होगी। तो मगर ये 253 बहुत अहम है, क्योंकि इन लोग ने इससे ये सीखा कि जो डायरेक्ट रूल है कि हम जाके खुद अपना बादशाह वहां खड़े करें, ये बहुत मुश्किल काम है, इसमें बहुत यानी बगावत का भी इस्तेमाल है, अपना एजेंट वहां बैठाओ, ये बहुत जरूरी है। तो एजेंट जो है वो लोग का खा जाते हैं, जैसे हम धोखा खा रहे हैं, हम गवर्नमेंट को मशवरा दे रहे हैं क्योंकि हम समझते हैं कि वो गवर्नमेंट हमारी है, हमारी गवर्नमेंट होती तो हमारी मदद करती। मगर उस वक्त उन्होंने अमेरिका के लिए एक और मसला था, अमेरिका खुद भी एक फॉर्मर कॉलोनी था जो कि आजादी पाई थी उसने यूके से, तो उनकी एक आइडियोलॉजी थी कि हमें जाके दूसरों के ऊपर यानी इस तरह से जबरन हुकूमत नहीं की, इसलिए वो चाहते तो थे ये करना, मगर वो उनके वो आइडियोलॉजी के मुखालिफ थे, अवाम का जो मिजाज बनाया गया था अरसे से उसके खिलाफ था। तो उनको फिर ये और भी ज्यादा रास आया कि हम छुप के हुकूमत करेंगे, किसी को पता नहीं चलेंगे, हम उनको कर्जा देंगे और कर्जे में हम उनको अपनी टर्म डिक्टेट करेंगे। आज भी पाकिस्तान में कोई भी अहम अपॉइंटमेंट होता है तो वो एम्बेसी से अप्रूवल आता है उसका सिग्नेचर। तो ये इनडायरेक्ट कॉलोनाइजेशन जो है ये बहुत सस्ता है और बहुत एक्टिव है, उसमें इतनी उनको पैसे भी नहीं खर्च होते हैं, पावर भी नहीं लगता है। और ये अब जो इससे एक ये तो जो ग्राउंड रियलिटी है ना, अब मैं एक इससे ऊपर वाली बात करना चाहता हूँ, जरा गौर से सुनिए। ये है वो मजमून जो माशियात में पढ़ाना चाहिए किताबों में, ताकि हमारे बच्चों को समझ में आए हो क्या रहा है। आज हमारा बच्चा जो है वो PhD कर लेगा इकोनॉमिक्स में, उसको ये नहीं पता होगा कि मुसद्दक कौन था, वर्ल्ड वॉर वन में क्या हुआ, ग्रेट डिप्रेशन क्या था, क्योंकि ये पढ़ाते ही नहीं इकोनॉमिक्स में, ये तो मजमून ही नहीं है, क्यों नहीं पढ़ाते, ये असल माशियत तो ये है। तो ये मजमून कहीं आपको पाकिस्तान में, हम लोग आजाद हैं, हम अपनी यूनिवर्सिटी में कोई भी वो नहीं करता, कोई भी हमें मना नहीं करता कि तुम क्या पढ़ाओ क्या नहीं पढ़ाओ। हमारी FSC की किताब में विंस्टन चर्चिल पर चैप्टर है पूरा, कार्ल मार्क्स का नहीं, बदमाश आदमी है। तो वो जो एक निजाम तालीम मकौले ने बनाया था जिसका मकसद ये है कि हमारे अंदर गौरों की अजमत और हैबत और मोहब्बत पैदा हो, वो आज भी वैसा ही चल रहा है। मेरी बेटी जब वीगन हाउस में पढ़ती थी, एक दिन आई घर, इसने कहा, हमारी टीचर ने कहा कि देखो हमारे सड़कों पे गंदगी और इंग्लिस्तान की सड़कें साफ होती हैं, उस तरह से उसने यानी पलंदे बांध दिए कि वहाँ यूरोप में क्या क्या फजीलतें हैं, हमारे मुल्क में क्या क्या फजलात हैं। यानी ये जो ज़हनियत है कि हम गुलाम हैं, हम जलील कौम हैं, हम कुछ नहीं कर सकते, हम करप्ट हैं, ये आज भी वही हमें सिखलाया जा रहा है सबक। तो जो बात समझने की है, जो तज्जिये से पहले हमें कहने की जरूरत है, वो ये है कि कॉलोनाइजेशन जो हमारा हुआ, हम लोग अंग्रेजों की गुलामी हमने 100 साल की, तो इससे एक गुलामाना जहनियत पैदा हो गई। अब इस गुलामाना जहनियत के बहुत सारे, एक तो ये रुश्दी कॉम्प्लेक्स है, उसने 3 किताबें लिखी,
सलमान रुश्दी, एक तो शेम है जिसमें उसने अपनी फैमिली की बुराई की, ये हम कैसे खराब लोग, एक मिडनाइट शेम है इसमें उसने अपने नेशन की, अपने लोगों की और अपने तहजीब और माशरे की बुराई और अपने तहजीब और माशरे की बुराई, और फिर ये सैटैनिक वर्सेस उसने अपने दीन की बुराई। तो यानी हम तो कुछ नहीं है और अंग्रेज सब कुछ है, ये हमें सिखलाया जाता है। तो एक ईमेल की तरफ आते हैं, जमील जफर लाहौर से ईमेल करते हैं, उनका कहना है कि हम साइंस और टेक्नोलॉजी में बेशक पीछे हैं लेकिन अखलाकी अकदार में हम वेस्ट से बहुत आगे हैं। अखलाकी अकदार का तल्लुक आपके लिबास के साथ नहीं कि शलवार पहना है स्कर्ट पहना है, आप समझ रहे हो, आपने ब्लाउज पहना है या कमीज पहनी है, इसका तल्लुक बताऊं। वो हजरत अली से किसी ने कहा कि फलाना सोमो सलात का बड़ा पाबंद, उन्होंने कहा छोड़ो इसको, वो मामलात में बताओ कैसा है। तो हमारे यहां तो कोई ढंग की चीज है ही नहीं, अल्लाह माफ करे, ये गला सड़ा हुआ मुआशरा है जिसके पल्ले नदामत भी नहीं रह गई। एक तो होता है ना लेवल कि बंदा नादिम हो, मैं गिनाता हूं चंद चीजें, पूरी दुनिया महजब दुनिया में इसका आपको हजारवां हिस्सा भी इस गंदगी का नजर आए मैं अपनी गर्दन काट के आपके हुजूर खुद पेश कर दूंगा। सुनते जाओ अब, कम तोलना, मिलावट, झूठी गवाही, अदालतें जाके देखो ढेर लगे हुए हैं पेशावर गवाहों के, ठीक है, जखीरा अंदोजी, तजावजात, नाजायज मुनाफाखोरी, सरकारी और निजी जमीनों पे कब्जा, पूरे मुल्क के जंगल बेच के खा गया टिम्बर माफिया, मसनूई महंगाई, ब्लैक मार्केटिंग, गंदा दूध, जाली दवाइयां, जाली पासपोर्ट, जाली जातें, तो अब हम आते हैं तदाबीर की तरफ। तो फर्स्ट बायर गर्द, तो सबसे बड़ी गलती और गलत फहमी ये है कि हम लोग ताकत छीनना चाहते हैं, कहते हैं कि पहले गवर्नमेंट पर कब्जा करेंगे और उसके बाद फिर, तो गवर्नमेंट से हम कब्जा ही नहीं कर सकते, यानी अपने बेसिकली हो सकता तो बहुत अच्छी बात है, मगर अपनी यानी ताकत को देखना है, दुश्मन की ताकत को देखना है और मुआजना करना है, जो काम कर सकता है वो करें, जो नहीं कर सकता है उसमें ना पड़े, क्योंकि अपनी एनर्जी को जाया नहीं करना चाहिए। तो कुरान जब आया था तो क्या उसने हमें बम बनाना सिखलाया था? उसने अल्लाह ताला का अल्लाम अल इंसान आलम यालम, तो असल जंग है वो हमेशा से इल्म की जंग है और अभी भी यही इल्म की जंग है। हमें हमारे जहनों को पोल्यूट कर दिया गया है, उसके अंदर खुराफात भर दी, अंग्रेज की मोहब्बत भर दी गई है, उसका शौक एंड ऑफ कि उनकी वो माशाल्लाह वो कैसे अच्छे वो फरिश्ते जैसे, हम जो है जलील कौम है, तो ये असल मसला है। और ये हमारा निजाम तालीम ऑटोमेटिकली प्रोड्यूस करता है, आप यहाँ बच्चों को उठाएं चार साल तक उनको सिर्फ अंग्रेज की किताब पढ़ा, और एक कमजोर सा कोई इस्लामिक स्टडीज का कोर्स होता है सबसे यानी कम हैसियत, यानी ये भी बड़ी हैरत की बात है। कहाँ एक तरफ तो हमारा दावा ये है कि अल्लाह ताला की जो कुरान है, जो पैगाम आया है, वो इतना बड़ा खजाना है, अल्लाह ताला खुद कह रहे हैं कि ये मैंने जिसको अता किया तो वो खुश हो जाओ तुम लोग कि ये जो नेमत तुमको दी गई है ये सब चीजों से बेहतर है जो किसी को दी जा सकती थी, और ये तुम्हारे लिए कामिल हिदायत है आखिरत। एक तरफ तो ये दावा, दूसरी तरफ हम चार साल किताबें पढ़ते हैं, कुरान देखने नहीं आता, जहाँ जहाँ पे तज़किरा आता है वहां पे उसका कोई रेलेवेंस नहीं जाता कि ठीक है ये कुरान तो है, ये इसको हम इसे हम क्या करें, इसकी तलावत करके सवाब कमा लेते हैं ताकि आखिरत में कुछ मिल जाए, दुनिया में इससे हमें कोई भी फायदा नहीं। अब हैरत की बात यह है कि इसी कुरान ने सहरा के बद्दुओं को, एक बहुत अहम किताब है सैयद अबुल हसन नदवी की जो सबको पढ़नी चाहिए, उसके मैंने हवाले भी दिए थे, के बिजली जाने की वजह से लेक्चर की रिकॉर्डिंग बीच में टूट गई, तो जो बात अधूरी रह गई थी उसको मैं यहाँ मुकम्मल कर देता हूँ कि इस्लाम का पैगाम ने जैसे एक बहुत ही बड़ा इनकलाब लाया था दुनिया की तारीख में, उस जैसा इनकलाब देखा नहीं गया है कि एक ऐसा सिविलाइजेशन इस्लाम ने शुरू किया जो हज़ार साल तक सारी दुनिया को इल्म का नूर देता रहा,
क्या इस पैगाम में, अल्लाह के आखिरी पैगाम में आज भी वही ताकत है? यकीनन हर ईमान वाला कहेगा कि हाँ, मगर अमलन मुसलमान आज इससे एराज कर रहे हैं और आज हम लोग अपनी हिदायत, अपनी रहनुमाई के लिए मगरबी रहनुमा ढूंढ रहे हैं, और यही सबसे बड़ा अलमिया है उम्मत का।